आज हम बनाएंगे वाइट चिकन स्ट्यू। ये बहुत ही मज़ेदार डिश होती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है, इसको खूब अच्छी तरह से धो लिया है, और 300 ही ग्राम इसमें प्याज पड़ेगी, मतलब ये कि बराबर का रेशियो होता है। और इस प्याज को मैंने बजाय काटने के मिक्सी में डालकर एक बार घुमा दिया है, जिससे कि ये थोड़ी दरदरी सी हो गई है। और मैंने लिया है ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, मतलब 4-5 मैंने हरी मिर्च ली, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया, 8-10 कलियां मैंने लहसुन की ली, और उसको मिक्सी में एक तरह से दरदरा कर लिया है। और अगर आप मिक्सी में डाल कर नहीं करना चाहती हैं तो आप हाथ से बारीक बारीक काट लें। इसके अलावा 2 चम्मच हमने फ्रेश क्रीम लिए या मलाई, आपके जो भी है आप वो ले लें, और ये 3 चम्मच जो है दही के लिए। कुछ खड़े गरम मसालों में मैंने लिया है 1/2 चम्मच ज़ीरा, 2 छोटे छोटे पत्ते तेज़पात के, 2 सूखी हुई लाल मिर्च और 2-3 जो है हरी मिर्च ली है मैंने। इसके अलावा एक मोटी वाली काली इलायची, 2 छोटी हरी इलायची, और ये 2 इंच का टुकड़ा जो है मैंने दालचीनी का लिया है, और 4-5 लौंग ली है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, और ये काली मिर्च का पाउडर है 1/2 चम्मच। चलिए तो फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, आप चाहें तो कुकर में भी इसको तैयार कर सकते हैं, और फ्लेम को ऑन कर लें। मैंने डाला है इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर अपने खड़े गरम मसाले डालेंगे। इसमें 2 इलायची लौंग, 1 काली वाली मोटी इलायची, इसको खोल लिया है मैंने, और हरी इलायची को भी खोल लिया है, और दालचीनी, इसके अलावा 2 तेज़पत्ते। फ्लेम को हाई कर लें और साथ में ज़ीरा। जब ये हल्का सा कड़कड़ाने लगेगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी प्याज को। देखिए हमारे मसाले जो हैं हल्के से भुन चुके हैं। चलिए अब हम इसके अंदर अपनी प्याज शामिल करते हैं। फ्लेम को हाई रखिएगा क्योंकि हमें इसके पानी को थोड़ा सा जलाना है, क्योंकि प्याज जो पानी छोड़ेगा उसे हमें थोड़ा सा जलाना है। और एक चीज़ और याद रखने की है कि प्याज को ब्राउन नहीं करना है, अगर आप ब्राउन करेंगे तो फिर ये वाइट नहीं बन पाएगा बल्कि थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप वाइट स्ट्यू बना रहे हैं तो आप इस प्याज को थोड़ा सा हल्का ही फ्राई करेंगे। इसको अभी पकने देते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए और हमारी प्याज ने थोड़ा सा कलर बदल दिया है, बस हमको इतना ही चाहिए था। अब हम इसके अंदर अपने चिकन को शामिल करेंगे। अब इसे प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और साथ में ये जो हमने नमक लिया था उसको इसमें डाल देंगे।
दो तीन मिनट इसी तरह चलाने के बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन और मिर्च जो मैंने मिक्सी में दरदरा सा पीस के रखा था उसे डाल देंगे। और इसके साथ हम दो तीन मिनट तक फिर से भूनेंगे। बस प्याज इसमें डार्क नहीं करनी है, अगर आप प्याज डार्क करेंगे तो फिर जो है ये कौरमे की शक्ल ले लेगा। हम बना रहे हैं वाइट स्ट्यू, कोशिश करनी है कि ये वाइट ही रहे। जब दो तीन मिनट हो जाए तो आप इसके अंदर दो बड़े चम्मच पानी डाल दें और फ्लेम को मीडियम कर लें, कवर करके छोड़ दें। 5 मिनट हो गए, चलिए एक बार हम इसे चला लेते हैं। ये देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है। मैंने तो इसे कढ़ाई में बनाया है, अगर आप चाहें तो इसे कुकर में बनाएं और 2 सीटी लगा दें तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन टाइम उतना ही लगना है क्योंकि जब तक इसका पानी ख़त्म नहीं होगा जब तक हमें इसी तरह से चलाते हुए भूनना है। और इस 10 मिनट में ये हमारा चिकन भी गल जाएगा। से कवर करके 5 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं। देखिए हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है और चारों तरफ से तेल भी नज़र आ रहा है, यही पहचान है कि ये भुन चुका है। हम ये करेंगे, जो हमारे पास दही थी बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं लेनी है, फ्रेश दही लेनी है, इसमें डाल देंगे। और फ्लेम को हाई कर लेंगे बिल्कुल। अब इस दही के साथ आपको 5-10 मिनट तक और भूनना है। अब डालेंगे इसके अंदर वो क्रीम, मैंने तो फ्रेश मलाई ली है, अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम डाल लें। मैंने 2 बड़े चम्मच मलाई ली है, उसको इसमें डाल देंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम करके 5 मिनट तक और खुला ही पकने देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और अभी काफ़ी पानी नज़र आ रहा है मुझे, दही और मलाई ने काफ़ी पानी छोड़ा है। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर फिर से पकाएंगे और फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, ताकि थोड़ा बहुत अगर हमारा चिकन गला नहीं हो तो वो भी इसमें गल जाए। ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और इसकी बोटियां भी गल चुकी हैं और इसके चारों तरफ से तेल भी नजर आ रहा है, जो ये बता रहा है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पक चुका हूँ। तो अब इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इसके अंदर जो ये तेज़पात के पत्ते हमने डाले थे तो ये अच्छे नहीं लग रहे,
और इसको जितना अपनी वो देनी थी, खुशबू देनी थी, वो दे चुके हैं, इसकी अरोमा इसके अंदर आ चुकी है, तो हम इसे निकाल देंगे। इसी तरह एक काली इलायची भी डाली थी मैंने, उसे भी निकाल देंगे। ये रही, अब हम इसके अंदर जो हमने काली मिर्च का पाउडर लिया था उसे डालेंगे। हमने उस वक्त नहीं डाला था, अब हम डालेंगे इसे। नमक टेस्ट करके देख लीजिए, अगर कुछ कमी लग रही है तो आप इस वक्त इसमें मिला लें। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे, और ये लाल वाली साबुत मिर्च मैंने इसलिए रोक रखी थी कि अगर मैं उसी वक्त डाल देती पकाते में तो ये कलर छोड़ देती, कलर छोड़ती तो हमारा स्टू जो है थोड़ा ब्राउन सा हो जाता, इसलिए हमने इसे बचा के रखा था। साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डालेंगे, इसलिए बचा के रखा था कि अब जब ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस डिश आउट करने की देरी है, इसलिए हमने इसे बचाया था। है ना अच्छी टिप? नहीं तो अमूमन यही होता है कि हर कोई साथ में ही डाल देता है हरी मिर्चें और ये सब। हमने डाली है हरी मिर्चें, डाली लाल वाली रोकी हुई थी मैंने। ये देखिए अब हमारा वाइट स्ट्यू बनकर तैयार है। चलिए अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये लीजिए हमारा मजेदार सा गोरा गोरा वाइट स्ट्यू बन के तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, अपने व्यूज जो हैं कमेंट सेक्शन में जाके मुझे दें।